कोरोना वायरस की लहर कहर बनकर टूट रही है। पिछले 24 घंटे में 1,26,000 नए केस सामने आए। कोरोना की वजह से पंजाब ही नहीं दिल्ली में भी हाहाकार मच रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद वाराणसी और कानपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश में जानलेवा कोरोना के खतरे को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज मीटिंग करेंगे। मीटिंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। 26 जनवरी की हिंसा के आरोपी दीप सिंधु की जमानत पर 30,000 कोर्ट में होगी आज सुनवाई शुरू। बेंगलुरु में एक मां ने अपनी 3 साल की बेटी की रिमोट पर हुए झगड़े के कारण गला दबाकर जान ले ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह यानी गुरुवार 8 अप्रैल को दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना टीके की दूसरी खुराक ले ली। महाराष्ट्र के व्यापारियों का उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम, वापस लिया जाए दुकानों को बंद करने का फैसला। बॉलीवुड के कई सितारे कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, इसमें अभिनेत्री से नेता बनी नगमा का नाम भी जुड़ गया है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद भी वह कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बंगाल के चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर शनिवार यानी 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। विधायक मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद मऊ के गैंगस्टर एक्ट मामले में आज बांद्रा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली पेशी होगी।